नमस्कार साथियों, पीछे अपने बात की थी गाते गाता की, उसी के आधार पे आज कुछ अपने मान निकालेंगे। पिछली वीडियो के अंदर अपने किया थे कि गात के अंदर मान निकालना, और उसी के आधार पे अब अपने कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे 3125 इंटू 1296 बटा में 6561 इंटू 1875। अपने क्या करना है, इस संख्या का मान ज्ञात करना है। क्या करना है अपने, इस संख्या का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ऊपर की जो संख्या का है इसके अभाज्य गुणनखंड करके अपने क्या कर लेंगे, इनके टुकड़े कर देंगे, या फिर सीधा अगर काटना चाहते हैं तो सीधा भी इसको काट सकते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड करके टुकड़े करेंगे तो काटना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब जैसे 3125 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखो इसमें दो का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो इसमें दो का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, पांच है। तो फिर देखते हैं 3 का भाग, तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा। लास्ट में क्या आ रहे हैं, 2 अंक 25 आ रहे हैं, तो इसमें 4 का भाग भी नहीं जाएगा। तो 5 का भाग लास्ट में 5 है, तो 5 का भाग इसमें चला जाएगा। 6 5 30, 1 बचेगा यहाँ पे, कितने हो जाएंगे 12, तो 5 2 10, फिर कितने बचेंगे 2, या कितने हो जाएंगे 25, तो 5 5 25, तो कितने आ जाएंगे 625। अब फिर 5 का भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 125 पे, यानी 6 में 5 का भाग देते हैं तो 1 पे जाता है, 1 बचेगा यहाँ पे, 12 हो जाएंगे, तो 2 5 10, फिर 2 बचेगा यहाँ पे 25, 25 में 5 पर 5 का भाग चला जाएगा। फिर 5 का, यानी 25 5 125, फिर 25 में 5 का भाग जाता है कितने पे, 5 पे। तो अब देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 अपने पास कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 की घात अपने क्या लिख लेंगे, 5 बार इंटू, उसके बाद क्या करेंगे, 1296, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1296 में अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितने का भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, कितने का जाएगा 2 का भाग, क्योंकि लास्ट में क्या है 6, जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 या 8 या फिर 0 हो तो उसमें 2 का भाग चला जाता है। 2 का भाग देंगे तो 6 पे चला जाएगा, फिर 4 पे 1 बचेगा यहाँ 16 हो जाएंगे, और 8 पे चला जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा 3 पे, फिर 2 पे और 4 पे, फिर 2 का भाग जा रहा है वापिस क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 3 में 2 का भाग देते हैं, 1 पे जाता है, 1 बचेगा यहाँ, 12 आ जाएंगे, 6 पे चला जाएगा, और फिर 2 पर, फिर 2 का भाग चला जाएगा 8 और 1। अब देखो यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसमें 1 और 8 कितने हो गए, 9, इसमें कितने का भाग चला जाएगा, 3 का भाग, तो कितने पे जाएगा 27 पे, यानी 3 2 6, 2 बचेंगे यहाँ 21 हो जाएंगे, 7 21, फिर 3 का भाग चला जाएगा 9, फिर 3 का भाग 3 और फिर 3 का भाग 1। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया अपने पास, 4 बार, तो इंटू 2 की घात 4 इंटू 3 कितनी बार है, 4 बार इंटू 3 की घात 4। अब नीचे वाली संख्या का अपने क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो नीचे की संख्या अपने पास क्या है, 6561, 6561, इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 1। तो अब देखो 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग दे देंगे, तो 3 6, 3 1 3, 2 बचेंगे यहाँ 26 हो जाएगा, 8 3 24, फिर 2 बचेगा यहां हो जाएंगे 21, 7 3 21, फिर 3 का भाग 7 3 21 और 8 में, यानी कि 2 3 6, 2 बचेगा 27 हो जाएंगे, 9 3 27, फिर 3 का भाग चला जाएगा 3 2 6, 1 बचेगा 12, 4 3 12 और 3 3 9, फिर 3 का भाग 8 3 24 और 3 1 3, फिर 3 का भाग वापिस यानी 27 में, फिर 3 का भाग
नौ पे और फिर तीन का भाग तीन पे और तीन, तीन का भाग तीन में देते हैं तो एक। अब यहाँ पे देखो तीन कितनी बार आया अपने पास, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तीन कितनी बार आया आठ बार, तो तीन की घात क्या बढ़ जाएगी आठ, तीन की घात क्या बढ़ जाएगी आठ। उसके बाद अपने पास संख्या क्या है 1875, 1875। अब देखो इसमें दो का भाग तो जा नहीं रहा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है पांच आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है पांच, देखते हैं पांच और सात बारह, बारह और आठ बीस और एक इक्कीस, इक्कीस में तीन का भाग जाता है तो तीन का भाग देंगे, छह दिए अठारह, फिर तीन दूनी छह एक बचेगा, पांच दिए पंद्रह, फिर देखो तीन का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, छह और दो आठ, आठ और पांच तेरह, अब तेरह आगे तेरह में तीन का भाग नहीं जाता तो अपने भाग किसके देखते हैं पांच का क्योंकि लास्ट में पांच है, तो पांच एकम पांच एक बचेगा यहाँ पे बारह, पांच दुनी दस, दो बच जाएंगे पच्चीस, पंच पंजू पच्चीस, फिर पांच का भाग पच्चीस पे और फिर पांच का भाग पांच, पांच और एक। अब यहाँ पे तीन एक बार है तो तीन लिख दिया, फिर पांच कितनी बार आ रहा है चार बार, तो पांच की घात चार। अब देखो यहाँ पे अगर इसको सीधा काटना चाहते हो यानी पांच को पांच बार लिख ले, चार को दो बार लिख ले और तीन को चार बार लिख ले और नीचे तीन को आठ बार, तो उस तरह से भी काट सकते हैं, अगर सीधा काटना चाहते हैं तो सीधा भी काट सकते हैं। अब देखो पांच की घात चार है और पांच की घात पांच है, ऊपर अपने पास क्या बच गया पांच की घात एक बच गई, यानी ज्यादा ऊपर इसलिए पांच की घात क्या बच गई एक, ऊपर क्या है तीन की घात चार है और नीचे तीन की घात आठ है, तो अपने पास क्या बचेगा तीन की घात चार, यानी आठ में से चार कटा देंगे तो क्या बच जाएगा तीन की घात चार, दो की घात कहीं पे कट नहीं रही इसलिए दो की घात चार और नीचे फिर तीन। अब देखो पांच की घात एक है, पांच की घात तो एक और दो की घात कितनी है चार, दो की घात चार बटा में क्या है तीन की घात चार और फिर तीन। अगर सीधा घात के अंदर पूछता है तो अपना आंसर यही निकलेगा, यानी यहाँ पे अपने गुणा करने के बाद अगर सीधा करेंगे तो पूरा मान निकल जाएगा, यानी आंसर अपना मान कितना आता है, तो गुणा करेंगे पांच दुनी दस, दस दुनी बीस, बीस दुना चालीस, चालीस दुना अस्सी, पांच दुनी दस, दस दुनी बीस, बीस दुना चालीस, चालीस दुना अस्सी, ऊपर तो क्या आ जाएगा अस्सी और नीचे की तरफ तीन तीये नौ, नौ तीये सताइस, सताइस तीये इक्यासी, इक्यासी तीये दो सौ तैयारीस, ये अपना क्या आ जाएगा मान। अब अपने बात करते हैं मानक रूप में बदलना, यानी कोई भी संख्या दे देते हैं उसको अपने किस रूप में बदलना है, मानक रूप में बदलना है, जैसे ये संख्या दे दी अपने, इस संख्या को अपने क्या करेंगे मानक रूप में बदलेंगे, तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि एक अंक जो पहला है सबसे पहले जो अंक है वो अपने पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे और आगे जितनी भी संख्या है उनको गिन लेंगे, यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अपने पास कितनी संख्या आ गई आठ, तो दस की घात क्या लिख देंगे आठ लिख देंगे, दस की घात क्या लिख देंगे आठ, और जो अंक है उसमें एक अंक छोड़ के यानी पहला जो अंक है उसको छोड़ के बाकी संख्या सेम लिख देंगे, ये अपना क्या बनेगा मानक रूप बनेगा। इसी के अंदर अपने जैसे एक संख्या और देते हैं उसी के आधार पे अपने दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे पहली संख्या अपनी क्या है तीन है तो अपने तीन लिख देंगे और क्या लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे उसके बाद अपने पास ये संख्या बच गई शेष, इस संख्या का कुल योग कर देंगे यानी कि एक दो तीन चार पांच छह सात, कितनी आ रही है सात, तो दस की घात क्या बन जाएगी सात, और फिर जो अंक बच गए शून्य को छोड़ के जो अंक बच गए वो अंक क्या लिख देंगे पॉइंट के बाद, ये अपना क्या बनेगा मानक रूप बनेगा।
इसी के आधार पे अपने जैसे माइनस में आ रहा है कुछ मानक रूप, तो वो सवाल देखते हैं उसमें कैसे करना है। जैसे अपने कोई संख्या ले लेते हैं 0.0005, तो इसका अपने मानक रूप बनाएंगे। तो इसका मानक रूप किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले देखें कि अपने पास संख्या क्या है, 5 है, तो अपने क्या करेंगे 5 इंटू संख्या शून्य कितने बच गई, यहाँ पे 3 बच गई, तो 10^-3। ये -3 क्यों है, पीछे जो सवाल थे उसके अंदर क्या था, अपने पास प्लस में आ रही थी संख्या, यानी जो घात थी वो प्लस में आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो शून्य थी ये संख्या के आगे थी, और ये क्या है, संख्या से पहले है, यानी आगे की तरफ आती है तो क्या करेंगे अपने माइनस में लिखेंगे, और पीछे की तरफ आती है तो प्लस में मानक रूप निकलेगा। इसी के आधार पे जैसे मान लेते हैं अपने कोई और सवाल दे देता है, जैसे 4×10^5 दे देता है, तो इसको अपने क्या करना है, साधारण रूप में बदलना है। ये मानक रूप दे दिया और साधारण रूप में बदलना है, तो अपने किस तरह से करेंगे कि 4 का तो 4 आ जाएगा और 10^5 कितनी है, 5, यानी 5 शून्य लगा देंगे। कितने शून्य लगेंगे, 5 शून्य लगा देंगे। अगर मान लो अपने पास कोई संख्या दे देता है जैसे 3.6×10^4, 3.6×10^4, तो इसे अपने मानक साधारण रूप में बदलेंगे, तो किस तरह से करेंगे कि 3 का तो 3 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 6। अब अपने पास 1 ये घट गया, तो इसमें से अंक कितने, अपने पास 1 अंक है, 1 इसमें से घटा देंगे, यानी कितने बचेंगे 3, यहाँ पे क्या लग जाएगी 3 शून्य लगेगी, ये अपना सामान्य रूप है। अब जैसे अपने क्या दे देते हैं घात, जैसे माइनस में दे देते हैं, जैसे अपने मान लेते हैं 8.5×10^-6, तो इस सवाल को अपने किस तरह से करें, 8 का तो 8 आ जाएगा और फिर ये जो 5 है पॉइंट के बाद में 1 अंक है, 1 क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, और ये घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यानी 6 में से 1 घटाते हैं तो अपने पास क्या आता है 5, और ये जो 5 है ये क्या करेंगे अपने 5 का 5 लिख लेंगे, और अपने पास यहाँ पे कितना आया था 5, यानी इधर अपने क्या करेंगे 5 शून्य लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा सामान्य रूप, क्या बन जाएगा सामान्य रूप। तो आप देख लेना ये, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर अपने पास घात क्या हो प्लस में हो तो संख्या इस साइड में आएगी, अगर घात अपनी क्या हो माइनस में हो तो संख्या इसके आगे आएगी, और फिर ये ध्यान रखना यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा पॉइंट, इसके आगे आप 1 0 या 2 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज एक ध्यान रखना, जैसे एक सवाल और बता देता हूँ, 3.6×10^-7 है, तो अपने क्या करेंगे 3 का 3 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे, एक संख्या इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे अपने क्या करेंगे 6 शून्य लगाएंगे और फिर क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद अगर आप शून्य लगाते हो तो भी सही है, अगर नहीं लगाते तो भी सही है। धन्यवाद।